हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज आपको हम DX यूनिट के बारे में बताएंगे, इसका ट्रबल शूट के बारे में। MRSC टेक्नीशियन में अफजल आलम के साथ आइए फिर से एक नए वीडियो के साथ। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखिए। ये हमारा इंडोर यूनिट है DX का, और इसका आउटडोर टेरिस में लगाया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब भी थर्मोस्टेट से इसको ऑन कर रहे हैं तो इंडोर यूनिट तो चल रहा है, बाद में जब कंप्रेसर ऑन ले रहा है तो ये बंद हो जा रहा है इंडोर यूनिट। ठीक है, अभी आपको हम दिखाते हैं चालू करके। तो इसका देखिए थर्मोस्टेट यहाँ पे है, चालू करेंगे। इसमें दो दो PCB बोर्ड दिया हुआ है, एक आउटडोर में गया है, यहाँ से देखिए इंडोर का सब कनेक्शन उधर गया है। ठीक है, इसमें फ्यूज़ भी है अपना, एक निकल करके आउटडोर में गया है, यहाँ से सप्लाई। ऊपर से जब इसको देखिए ऑन करते हैं, अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, ऊपर से ऑफ़ किया हुआ है। इसको ऊपर से ऑन करना होगा आउटडोर यूनिट से। इसको ऊपर से जा करके हम ब्रेकर ऑन किया आउटडोर का, तब इसमें सप्लाई आएगा थर्मोस्टेट में। ये आने के बाद जो है अपना इंडोर यूनिट रनिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ये कूल मोड में है, कूल मोड में होने के चलते जो है नहीं हो पा रहा है इंडोर रनिंग। ठीक है, तभी इसको देखते हैं, जाके ऊपर जाके चेक करेंगे क्या इशू है। हम आ गए आउटडोर यूनिट के पास, लेकिन इसका वोल्टेज उतना ही सही जा रहा है कि नहीं, कंप्रेसर रनिंग नहीं है। 426 यहाँ नीचे देखा मल्टीमीटर के पास दिख रहा है आप लोग? हाँ, 426, 429, 426। अब एक फेज चेक करेंगे, न्यूट्रल टू येलो 247, रेड के साथ 245, ब्लू के साथ 243, 247। ओके, अब देखते हैं आउट कर रहा है कि नहीं। तो अपना आउट भी कर रहा है, 425, 428, 425। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये रिले है, अभी इंडोर से ये वायर आ रहा है, एक ये वायर जो है हमारा इंडोर से आ रहा है, ऊपर में कंट्रोल होने के बाद बाद में नीचे जा रहा है। जब ऊपर में सब ठीक रहेगा तो नीचे चलेगा। तभी देखते हैं इसमें आउट कर रहा है कि नहीं सप्लाई। देखिए वहाँ क्लेम मीटर पास देखिए, ये हमारा इन आ रहा है, ये नीचे से 4-5 वायर आ रहा है, एक तो ग्राउंड है, बाकी 2 स्पीड का, एक न्यूट्रल फेज है, कंट्रोल है। अभी देखिए, ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा 246 आ रहा है, वोल्टेज नीचे से आ रहा है, लेकिन उसके बाद नीचे इसको कंट्रोल जा नहीं रहा चलने के लिए। भाई हम चेक करते हैं, अभी ब्रेकर को ऑफ करेंगे, ऑफ करके कंप्रेसर चेक करते हैं, कंप्रेसर मेरा सही है कि नहीं। ठीक है, फ्यूज़ तो सही दिख रहा है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। अभी देखते हैं फ़ैन मोटर ख़राब है, कंडेंसर फ़ैन मोटर या LP HP कुछ भी ख़राब हो सकता है। सर भी तभी चेक करेंगे, अभी पहले यहाँ से ब्रेकर को ऑफ करते हैं, हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी में रखे हैं, कंप्रेसर ग्राउंड तो नहीं है, वो चेक कर रहे हैं। कंप्रेसर ठीक है, कंप्रेसर ग्राउंड नहीं बता रहा, वापस में चेक करते हैं। 1.1, 1.0, ये सही है, अपना ग्राउंड नहीं है, वापस चेक कर लिए, ये तो ग्राउंड नहीं है। अपना इधर चेक करते हैं LP HP, ये कंटिन्यूटी आ रहा है, ना इसमें HP में नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से लूपिंग किया हुआ है OLP का, HP का। ठीक है, यहाँ
है, तब इसको रनिंग करके चालू करके डायरेक्ट एक फेज को हम चेक करेंगे। कंट्रोल इस जो सेफ्टी डिवाइस है HP LP मोटर का, डायरेक्ट चेक करेंगे तो मालूम चलेगा हमको। ठीक है, तभी हम देखते हैं। ऑन करते हैं, देखते हैं यहाँ तक सफाई आया कि नहीं नीचे से। ना वोल्टेज में रखेंगे, कंटिन्यूटी में था। अभी 246 आ रहा है सप्लाई नीचे। एंडो यूनिट के पास तो कमांड गया लेकिन वापस इधर से नहीं जा रहा है। नीचे हमारा एंडो यूनिट चालू हुआ। आगे एक ही करके फेज चेक करेंगे। ये 246 वहाँ दिख रहा है जी। 246 देखिए कंट्रोल में बता रहा है, फिर यहाँ से आउट इसका निकला, इसमें चेक करेंगे ये भी 246 आ रहा है। फिर उसके बाद आगे लूपिंग हुआ, ये देखिए इसमें नहीं बता रहा है। हमारा जो HP का जो वायर है इसमें नहीं बता रहा है। ये दो LP का वायर है, दोनों में तो आ रहा है अपना सप्लाई, यहाँ से यहाँ नहीं पावर सप्लाई जा रहा है। तभी हम वीडियो को रोकते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। आप लोग देखिए इसमें हमने फाइंड आउट किया, जब HP का ये दो वायर है, ये रेड कलर दो है ना, दो HP का है, ये दो है ना OLP का है, ठीक है, बाकी इधर फैन मोटर का है, तो हमको तो यहीं से यहीं पर सप्लाई पार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं HP का वायर। ये देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं HP का वायर कट है, कट हो गया है। इसके ले करके जो है आगे पावर नहीं जा पा रहा है। अब इसमें क्या है इंडोर का, इसका फंक्शन क्या है, ये चार वायर जो लूपिंग आया ना, आने के बाद ये मेन उधर से सप्लाई आ रहा है नीचे से। ठीक है, अभी इसके आने के बाद यहाँ से रिले में आउट किया, रिले में गया, तो रिले में जाने के बाद फिर ये रेड वायर जो दे रहे हैं देख रहे हैं, ये सीधे इसके साथ ये नीचे जाएगा कमांड। लेकिन क्या है, रिले फंक्शन नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिले को फेज मिल नहीं पा रहा है, यहाँ से आगे पावर जा नहीं रहा है तो रिले को फेज नहीं मिल पा रहा है। तो इसके ले करके हमारे तभी हम क्या करेंगे, या तो HP को डायरेक्ट कर देंगे या तो फिर HP को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाईपास कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे। तभी हम देखते हैं सीधा वायर निकाल करके इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ये अपना फैन मोटर का वायर है, ये फैन मोटर का वायर जो है इसमें कनेक्ट कर देंगे, इधर से इधर पावर सप्लाई जाएगा। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं डायरेक्ट करने के बाद क्या होता है, मेरा कंप्रेसर रनिंग लेता है कि नहीं, चलता है कि नहीं, इंडोर यूनिट चलता है क्या। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी ऑफ़ करेंगे इसको, ऑफ कर दिए, अभी इसको हम निकालेंगे। ठीक है, वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सीधे बाईपास कर देते हैं। ठीक है, करने के बाद ये हमारा मोटर का वायर है, ये मोटर का वायर को OLP के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये उसके लिए तो चाहिए ना हमको सप्लाई। आप HP को डायरेक्ट किए, अगर मोटर का वायर नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा मोटर का वायर दिया हुआ था। अभी एक हम यहाँ डाल दिए, यहाँ से इसमें आएगा। ठीक है, इसमें आने के बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिले में आएगा। तो अभी हम देखते हैं चालू करके क्या होता है। चालू कर दिए, चेक करेंगे, फेज चेक करते हैं, फेज चेक करते हैं। ठीक है, आ रहा है 245 वोल्टेज तो नीचे से आ रहा है इसमें। अभी देखिए 245 देखिए वोल्टेज अभी आउट भी कर रहा है, रिले के जरिए होते हुए आउट भी कर रहा है। इसके पहले आउट नहीं कर रहा था, आप लोग देख रहे होंगे। अभी HP को हम बाईपास कर दिए, तो अभी हम देखेंगे कंप्रेसर रनिंग होता है कि नहीं। ठीक है, कंप्रेसर रनिंग लेगा तो यहाँ पर एम्स लेगा, कंडेंसर फैन चालू होएगा तो मालूम चलेगा। जब तक चालू होगा तब तक आपको कुछ इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसमें ये OLP आया हुआ, देखिए पहले से OLP को डायरेक्ट किया हुआ है। OLP एक्चुअल में इसके साथ इनबिल्ड है ना, अंदर में है कंप्रेसर के अंदर में अपना OLP है, तो इसलिए उसको तो हम ये हटा नहीं सकते।
इसलिए वायर को क्या किए कि दोनों को डायरेक्ट कर दिए हैं। अब एचपी भी ख़राब हो गया था, एचपी को भी डायरेक्ट कर दिए, एचपी को तो रिमूव भी कर दिए, बाईपास ही कर दिए, उसको ख़त्म कर दिए। तो इस तरह से आप क्या, अगर कोई भी सेफ्टी डिवाइस आपका प्रॉब्लम होता है, आपके पास नहीं है चेंज करने के लिए मटेरियल, तो आप बाईपास करके अपना यूनिट को चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना डेक्किन का DX यूनिट है, लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, अभी रनिंग स्टार्ट लेगा, फिर उसके बाद आपको नीचे इंडोर यूनिट दिखाएंगे रनिंग लिया कि नहीं लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो कंट्रोल जा रहा है, यहाँ से अपना कंट्रोल जा रहा है, इंडोर यूनिट रनिंग रहेगा। ठीक है, अभी देखिए कंप्रेसर का, देखिए अभी जैसा कि आप लोग को बोले थे हम, यूनिट अब चालू हो गया हमारा कंप्रेसर, 12 amps ले रहा है इसमें, सब में चेक कर लेते हैं वन बाई वन करके। 14 amps ले रहा है, 14 ले रहा है, इसमें कम ले रहा है, वो मुझे नहीं। तो ये चीज़ आप लोग देखें, अब आप लोग इंडोर यूनिट भी दिखाते हैं, इंडोर यूनिट रनिंग है कि नहीं हमारा। ये कंडेंसर फैन देखिए रनिंग हो गया, ऐसा रनिंग, इसका पहले सप्लाई आ गया, आउटपुट नहीं जा रहा था, इसलिए रनिंग नहीं हुआ था। हम तो श्योर थे कोई सेफ्टी डिवाइस ही गया रहेगा, क्योंकि अगर कंप्रेसर आपका अगर ग्राउंड रहेगा तो पूरा ये अपना एक्सीलेटर गिर जाएगा, एक्सीलेटर ट्रिप कर जाएगा, अंदर ब्रेकर गिर जाएगा। ठीक है, आपका फिर थर्मोस्टेट में लाइन नहीं आएगा, DX का थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। तो इसमें हमारा सिर्फ क्या हो रहा था कि इंडोर यूनिट नहीं चल रहा था और ना कंप्रेसर चला था, क्योंकि इंडोर यूनिट में कमांड आएगा तभी तो कंप्रेसर चलेगा ना। तो सेम इसका रिले का फंक्शन प्रॉब्लम था, रिले से सप्लाई नहीं जा रहा था आउटपुट। ये कि अभी आप आउटडोर इंडोर यूनिट को देखिए, नहीं खाना भी नहीं खाया, खाएगा देखिए आप लोगों को। यहाँ पर अभी कंप्रेसर का ये सिंबल है, ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये ऑन हो गया, चलने लगा। अभी इंडोर यूनिट का भी साउंड आपको मिल रहा होगा चलने का, अभी ऑफ करते हैं इसको, बंद हो गया, देन अगेन फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो है चलने लगा, HP को हम बाईपास किए, तो अभी आपको सीखने को मिला HP LP OLP सेम का सेम सेफ्टी डिवाइस है। तो आप सबका सेम प्रोसेस है, आप डिसनेक्ट कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं वायर ले करके दो जोड़ कर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा जानकारी देंगे। मेरा वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नया सीखना चाहते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो डायरेक्ट हम यूनिट के पास ऐसे जाकर आपको दिखाएंगे। ओके, तब तक लिए अपना ख्याल रखें।